सरकारी ब्लड बैंक से 1050 रुपये ब्लड का शुल्क लेने के विरोध में माले के विधायक विनोद सिंह विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले विधानसभा के बाहर धरने पर बैठे हैं। विनोद जी, ये जो लिखा है 1050, कई लोग बोल रहे हैं कि संकल्प वापस हो गया। संकल्प वापस लिया गया है, लेकिन अगर आप संकल्प को देखें तो यह पुनः है कि अब वो सीधे सरकार जरूरतमंदों से नहीं लेंगी। इनमें माध्यम हो गए हैं निजी हॉस्पिटल, वो निजी हॉस्पिटलों को दें पैसा और निजी हॉस्पिटलों से सरकार लेंगी। तो अंततः जो जरूरतमंद हैं उनको अगर राज्य के सरकारी हॉस्पिटलों से बाहर उपचार करने तो उनको राशि लगेगी। लेकिन यह तो सवाल उठ ही रहा है कि जो अब तक निःशुल्क था 350 से वो निःशुल्क हुआ, तो पुनः बढ़ करके सीधे वो 1050 और 1450 हुए हैं। लेकिन 1050 और 1450 के बाद भी अगर इसमें सरकारी हॉस्पिटलों की बात आए तो अभी भी जो ज़रूरतमंद हैं उनको ब्लड मिल जाएगी, इसकी भी गारंटी नहीं है। इमरजेंसी स्थितियों में भी कहा जाता है कि भाई कि आप वो डोनर लाएं और तभी होगा, जबकि इमरजेंसी जो लोग ज़रूरत हैं उनके लिए डोनर की बाध्यता नहीं होनी चाहिए, ज़रूर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण है कि कोई नीति आप बनाते हैं, बदलाव हो 19 और 20 हो, तो बाकायदा उसकी कमेटियाँ होती हैं, कोई सिंगल डिसीजन नहीं होते हैं। झारखंड में 2 सालों से ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो काउंसिल है उसकी बैठक ही नहीं हुई। अगर बैठक होती, सारे लोग उसमें आमंत्रित रहते, सारी चीज़ें होती तो रास्ता निकलता। तो अभी हमारा यही कहना है कि सरकार को तुरंत जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल की जो है बैठक बुलाई जानी चाहिए, और जो विरोध के स्वर विभिन्न समूहों के द्वारा, चाहे वो झारखंड सिविल सोसाइटी हो, चाहे अतुल गेरा जैसे जो है कार्यकर्ता हो, चाहे लहू बोलेगा जैसे ग्रुप हो, इनकी जो आवाज़ उठ रही है उनको सुना जाना चाहिए और तत्काल ये वृद्धि तो वापस लेनी आनी चाहिए। सभा के अंदर भी निश्चित रूप से विधानसभा के अंदर तो बहुत है, शीतकालीन सत्र है और शीतकालीन सत्र में आप देखेंगे कि शीतकालीन में भी राज्य के युवा 10 बजे रात तक जो है सड़कों में है। तो इन सारे मुद्दों पे कोशिश होगी कि बात रखी जाए। ये थे माले विधायक विनोद सिंह। आपको पता है कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पिछले दिनों एक संकल्प जारी किया गया था और बताया गया था कि सरकारी ब्लड बैंक से जो ब्लड निःशुल्क मिलता था उसके बदले 1050 रुपये शुल्क देना पड़ेगा। उसके बाद रांची सिविल सर्जन की तरफ से एक लेटर जारी किया गया और कहा गया कि अब निजी अस्पताल पैसे लेंगे, सरकारी ब्लड बैंक में पैसा नहीं देना होगा। और यही वजह है कि आज माले के विधायक विधानसभा के बाहर यहां पर इसी मसले को लेकर धरने पर बैठे हैं। शुक्रिया। The followup.in लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब www.thefollowup.in